चेचक मुक्त भारत में यूपी के कुशीनगर में मिले 10 चेचक के मरीज, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। यूपी के कुशीनगर जनपद के तमकुही ब्लॉक क्षेत्र के जखनी व पांडे पट्टी बसडीला गांव में फैला चेचक 10 बच्चों के ग्रसित होने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, गांव में चेकअप कर दवा बांट रही टीम। कुशीनगर जनपद के तमकुही राज में स्थानीय विकास खंड के 2 गाँव में फैले चेचक के प्रकोप को लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गांवों का दौरा कर आवश्यक कदम उठाने में लगी हुई है। चक्री गांव के 5 बच्चों को चेचक हुआ है। मंगलवार को इसकी जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इससे पहले भी इसी ब्लॉक के पांडे बसडीला गांव में 5 बच्चों को चेचक से ग्रसित होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉक्टर मकसूदन मिश्रा की अगुवाई में पहुंचकर दवा वितरण एवं साफ सफाई आदि कराई थी। चखनी गांव में पुनः चेचक के मरीज पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर सीमा यादव की अगुवाई में स्वास्थ्य कर्मी चंद्र प्रकाश, विकास कुमार गुप्ता, पूनम देवी की टीम मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों के घर भ्रमण किया। स्वास्थ्य विभाग की जांच में अंशिका, संदीप, निर्मा देवी, अरुण व अंकित में चेचक जैसे लक्षण पाए गए। स्वास्थ्य टीम ने प्रभावित मरीजों को दवा वितरण करने के साथ आसपास की साफ सफाई, दवा का छिड़काव आदि कराने के साथ ही बीमारी से बचने के आवश्यक सुझाव दिए। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार ने देश को चेचक मुक्त देश घोषित कर दिया है। बीते कई दशक से इस देश में इस बीमारी के लक्षण नहीं मिल रहे थे। ऐसे में क्षेत्र में चेचक के लक्षण पाया जाना चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार राय का कहना है कि चखनी में चेचक जैसे लक्षण के 5 मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य टीम गाँव में गई थी, इसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है।